नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ निकिता और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं मेथी के लड्डू। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे करीबन 1 कप, और उसमें मैं डालने वाली हूँ मेथी का पेस्ट। बेसिकली मैंने मेथी के दाने को अच्छे से वॉश कर लिया, फिर उसे मैंने एकदम पतला और स्मूथ पेस्ट के जैसे ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद 2 कप दूध डाल के मैंने उसे भिगो के रखा था 5 घंटे के लिए। और अब उसे मैं इस घी में डाल के अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट तक भून लूँगी, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और साथ ही साथ ये एकदम ही अच्छी तरीके से भून जाए। और दूध में मैंने भिगो के इसलिए रखा था क्योंकि उससे मेथी का जो करवाहट होता है वो निकल जाता है, और साथ ही साथ इसमें एक अच्छा सा खुशबू भी आता है, तो वो मेथी के साथ दूध का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं दूध में भिगो के रखी थी। उसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, और जैसे कि आप देख सक रहे हैं ये हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। उसके बाद सेम पैन में हम करीबन 2 चम्मच घी डालेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप आटा। और मैंने यहाँ पे घी में आटा को अच्छी तरीके से रोस्ट किया है। इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक ये थोड़ी सी ब्राउनिश कलर में ना हो जाए और आटा का कच्चापन ना निकल जाए। तो आप देख सकते हैं आटा भी भून के तैयार है, इसे भी हम इसी के ऊपर निकाल देंगे। और उसके बाद हम गोंद बनाएंगे, और गोंद को मैंने घी में फ्राई करके रख दिया था। उसे बेलन के मदद से हम अच्छे से कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद मैं सेम पैन में नारियल डाल रही हूँ। इसे बिना घी के हमें रोस्ट करना है क्योंकि इसमें खुद में ही ऑयल होता है, तो इसे हम रोस्ट कर लेंगे। और गोंद जो है वो भी अच्छे से ये हो गया है कोर्स ग्राइंड, इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। साथ ही साथ जो नारियल हमने भुना है और थोड़ा रेडिश कलर में हो गया है, उसे भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पे पिस्ता बादाम और किशमिश लिया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर में 6 से 7 सफ़ेद मिर्च लिया है और अदरक लिया है, और इसका मैं पेस्ट बना दूंगी और अगेन उस मिक्सर में डाल दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बादाम और किशमिश लिया, आप चाहें तो बादाम किशमिश को ना घी में डीप रोस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया हुआ है। मैं इस गुड़ इस लड्डू में तगाड़ या बूरा नहीं डालने वाली हूँ, मैं इसमें डालूँगी गुड़, इसलिए मैं यहाँ पर गुड़ मेल्ट कर रही हूँ। और इस सारे मसाले में मैं ये जो मेल्ट गुड़ है वो मिलाऊंगी। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैं ये सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ, उसके बाद घी मिला रही गुड़ मिला रही हूँ। गुड़ ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो अगर आप इसे डायरेक्ट हाथ से मिलाओगे तो आप जल सकते हो, इसलिए मैं पहले सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उसको मिक्स कर दी, उसके बाद गुड़ डाल के मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ। और इसे मिक्स करने के बाद सो गाइज़, अब मैं इस मिक्सचर से लड्डू बना दे रही हूँ, और बहुत ही प्यारे लड्डू बन के तैयार है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और गाइज़, अगर आपको मेरा ये मेथी के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक ख़ास बात है कि मेथी के लड्डू से हमें हेयर, स्किन, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, और जैसे कि इसमें गर्मी होता है तो ठंड के लिए भी काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं। बाय बाय।